हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स और चैप्टर है हमारा सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और इसमें जो है हम इसकी एक्सरसाइज 9.1 के सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेस्ड एंड टाइड फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाई द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक टावर, और टावर के बाद इसमें क्या दिया गया, सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट अप फ्रॉम द टॉप। इसके टॉप से एक रस्सी बंधी हुई है और वर्टिकल पोल, इसके पोल के टॉप से एक जो है रस्सी बंधी हुई है, टाइटली स्ट्रेच्ड है, और ये यहाँ से मिला हुआ इसका ग्राउंड लेवल होगा। तो इसमें दिया हुआ क्या है, ग्राउंड से जो इसका रस्सी का जो एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री, और इसकी जो लंबाई दी हुई है रस्सी की वो दी हुई है 20 मीटर यहाँ से यहाँ तक की ये रस्सी। तो इसमें पूछा गया है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी कि ये जो पोल है इसकी, इसको बोल दिया एच, इसकी हाइट हमको निकालनी है, इसको एंगल बना देना, ये हो जाएगा ए बी सी। अब देखो इसमें हमको हाइट निकालनी है टावर की, तो ए सी हो गया हमारा इसमें एच जो हमें निकालनी है, और बी सी, बी और सी हो गया 20 मीटर, और एंगल ए बी सी ये हो गया 30 डिग्री। निकालनी हमको हाइट है यानी कि AC, तो इसमें ये जरा देखो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लग जा रहा है, इसमें कौन सा एंगल लग जाएगा, पहले लगा के देखते हैं। जैसे इसको साइन लगा के देखेंगे, जैसे हम अगर मान लिया तो साइन में हमारा आएगा क्या, साइन में जो पहले आएगा हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो हाइपोटेन्यूस दी हुई है और जो परपेंडिकुलर यानी कि जो हाइट है वो हमें पता चल जाएगी। ठीक, तो हम इसमें लगा देते हैं साइन बी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एच अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि बी सी। अब साइन बी, बी कितना है हमारा 30 डिग्री, एच बी सी कितना दिया हुआ है 20 मीटर, और साइन थर्टी वैल्यू किसकी होती है, हाफ 1/2 बराबर एच अपॉन 20, यानी कि जो एच हमारा आएगा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2H बराबर 20, और फिर 2 को इधर भेज देंगे तो ये एच इज इक्वल टू हमारा जाएगा 10 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ टावर जो हमारी आई वो आई 10 मीटर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, अ ट्री ब्रेक्स डाउन ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो पहले तो हम लोग जो है इसमें एक पेड़ बना लें, ये एक पेड़ हो गया, ठीक, इतना लंबा। फिर इसमें क्या दिया हुआ, स्टॉर्म और तूफान वगैरह आंधी वगैरह आई होगी बहुत तेज, तो पेड़ टूट गया। ठीक है, तो टूटने के बाद वो बीच से बैंड हो गया, ये इसका टूटा हुआ हिस्सा जो है ये आ गया यहाँ पे, ये जो टूटा हुआ इसका हिस्सा है ये यहाँ से टूट गया जो आ गया यहाँ पे, ये टूटा हुआ इसका हिस्सा, और इसने ग्राउंड लेवल से जो एंगल बनाया
वो कितना बनाया 30 डिग्री। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, और इसकी जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है वो दी हुई है 8 मीटर। तो इसमें जो है आगे पूछा गया फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो हाइट ऑफ द ट्री बतानी है। तो ट्री की जो लंबाई होगी पूरी वो तो होगी यहाँ से यहाँ तक की, जो एच हमको निकालनी होगी वो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये पूरी ये एच पूरी निकालनी होगी। इसको जो है लेबल कर देते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी और इसको बोल दिया डी। तो ज़रा ध्यान से देखना, जो हमारा एच होगा एच बराबर कितना होगा, एक तो होगा डी सी, डी सी प्लस डी सी प्लस सी ए, और जो हमारा डी सी होगा वो होगा सी बी के इक्वल, और इसको लिख देंगे एच इज इक्वल टू डी सी, जो है डी सी वो होगा हमारा बी सी, बी सी प्लस सी ए। क्यों होगा, क्योंकि डी सी इज इक्वल टू बी सी है। इक्वल क्यों है, क्योंकि ये उसी का तो टूटा हुआ हिस्सा है, ये जो इतना पूरा पेड़ था ये बेंड होकर टूट गया, तो ये इसका ये वाला जो ये वाला हिस्सा है वो इसके इतने ही तो बराबर होगा। आप देखो इसमें ये चीज़ हमको समझ में आ गई। अब हमको देखो इस ट्रायंगल में एक चीज़ ध्यान से देखनी है, अगर हाइट निकालनी है तो दो चीज़ें निकालनी होंगी, क्या क्या चीज़ निकालनी होंगी, एक तो हमको निकालना होगा एसी, एक तो एसी निकालना होगा, और दूसरा निकालना होगा सीडी, सीडी यानी कि हमें ये बीसी निकालना होगा। ये दो चीज़ें निकालनी होंगी, यानी कि हाइपोटेन्यूस और ये वाली इसकी परपेंडिकुलर। तो इसमें पहले तो हम लगाते हैं tan tan b, tan b क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर ca अपॉन, आगे क्या होता है बेस, बेस कितना है ba, ba यानी कि 8 मीटर। टेन बी, टेन बी बी कितना है 30 डिग्री, यानी कि सी ए अपॉन 8 और टेन टेन 30, टेन 30 होता है 1/√3, तो सी ए अपॉन 8 और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 8/√3 सी ए। दिस इम्प्लाइज अब 3 को इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा 8/√3 बराबर सी ए। ठीक, अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर दें, इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफाई करके हमको मिलेगा 8/√3 और ऊपर नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई, √3 √3, तो ये हो जाएगा 8/√3/3 मीटर। सी ए हमारे पास आ गया, ये वाली जो डिस्टेंस आ गई ये आ गई 8/√3/3। अब बचा क्या हमको बी और सी निकालने को, हमको ये भी ये साइड पता है, ये साइड पता है, एंगल भी पता है। ठीक है, अब देखो इसको जो है यहाँ तक जो है नोट कीजिए, फिर आगे अभी जो है करते हैं। अब इसमें ये चीज़ पता चल गई, अब हमको निकालना है सी बी या बी सी। तो देखो इसमें हम लगा देंगे अब साइन बी, और जब साइन बी लगाएंगे साइन बी क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी कि सी ए अपॉन हाइपोटेन्यूस बी सी। साइन बी यानी कि 30 डिग्री, साइन 30 इज इक्वल टू सी ए हमारे पास कितना है 8
रूट थ्री अपॉन थ्री और इस पूरे के अपॉन में बी सी जो कि हमको फाइंड करनी है। साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, तो ये हो जाएगा 8√3/3, ये ऊपर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा तो ये जाएगा 1/BC, तो ये हो जाएगा हाफ बराबर 8√3/3BC। अब दिस इम्प्लाइज ये हो जाएगा 8 × 16√3 = ये हो जाएगा 3BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी 8 × 16√3 और इसकी इससे हो जाएगी तो ये 3BC ही बचेगा। फिर इस 3 को इस तरह भेज देते हैं ठीक, तो ये हमारे पास मिलेगा 16√3/3, 16√3/3 = BC और BC ये जो हमको है इतनी ही इसकी जो है लंबाई होगी किसकी BC की, BC हमारे पास आया 16√3/3 मीटर्स। अब BC पता चल गया, CA पता चल गया, H हमारा आसानी से निकल जाएगा। देखो अब H बराबर BC प्लस CA, तो इसको लिख देंगे H बराबर जो BC है हमारा कितना आया 16√3/3 प्लस CA कितना है 8√3/3, तो ये हमारा हो जाएगा 16√3 + 8√3/3 ठीक। अब इसमें से हम लोग 8√3 कॉमन ले ले रहे हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2+1/3। ये आ गया यहाँ तक, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो चाहे तो ये हो जाएगा एच बराबर ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, 8 × 2 = 3 तो 8 × 3 = √3/3। इसको अगर आप लोग और आगे करना चाहें तो ये हो जाएगा 3 × 8 = 24, ये आ जाएगा 8√3 ठीक। ये हो जाएगा मीटर्स में एच, इसकी कंप्लीट हाइट ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। थर्ड क्वेश्चन है इसमें अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क, जिन्हें हम आम तौर पे कहते हैं सरकने वाला झूला ठीक है। फॉर द चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 5 years शी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। तो जो 5 साल के लिए था 5 years वाले के लिए जो झूला है उसकी जो हाइट है हाइट वो है 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। इसके टॉप से जो इंक्लाइन हुआ है 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर इज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन शी वॉन्ट टू हैव अ स्टीप स्लैब एट द हाइट ऑफ 3 मीटर। तो जो बड़ों बच्चों के लिए है, बड़े बच्चे होंगे उनके लिए ये जो हाइट ली है इन्होंने वो है 3 मीटर की ठीक है। एंड इंक्लिनेशन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, और इंक्लाइंड हुआ है 60 डिग्री।
60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी कि हमको इन दोनों केस में इन दोनों का हाइपोटेन्यूस निकालना है। नाम दे देते हैं इनको, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई एफ। तो देखो पहले लेके चलते हैं ए बी सी इस वाले ट्रायंगल में, जिसको जिसमें हमको निकालनी है इसकी बी सी हाइट। तो इन ट्रायंगल ए बी सी पहले तो क्या निकालना है हमको, सी बी या बी सी। तो इसमें हमारा जो एंगल लग जाएगा वो लग जाएगा साइन बी बराबर परपेंडिकुलर सी ए अपॉन क्या, सी ए अपॉन निकालना क्या है हाइपोटेन्यूस, जो कि है हमारी बी सी। साइन बी जो है हमारा 30 डिग्री है, साइन 30, सी ए क्या है हमारा 1.5 मीटर, और बी सी क्या है हमें जो निकालनी है, साइन 30 वैल्यू होती है 1/2, ये हो जाएगा 1.5 अपॉन बी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा बी सी बराबर 3 मीटर। तो इसमें एक केस में जो 5 ईयर्स वालों के लिए स्लाइड थी वो तो मिल गई हमें 3 मीटर, ये जो इसकी आई ये आ गई 3 मीटर। अब जो है बड़े वाले बच्चों हैं उनके केस में जो स्लाइड आएगी वो देखो कितनी आती है, इसके लिए हमें लेके चलना पड़ेगा इन ट्रायंगल डी ई एफ, डी ई एफ ठीक, इसमें भी साइन लगा दिया तो ये हो जाएगा साइन 60, साइन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि 3 मीटर और हाइपोटेन्यूस यानी कि ई एफ। अब साइन 60 हो गया, साइन 60 इज इक्वल टू 3 अपॉन ई एफ, साइन 60 वैल्यू होती है, साइन 60 होती है रूट 3 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 3 ई एफ। अब इन जब इन दोनों की क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा रूट 3 ई एफ इज इक्वल टू 6, ये हो गया रूट 3 ई एफ इज इक्वल टू 6। अब इस 3 को इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा ई एफ इज इक्वल टू 6 अपॉन रूट 3, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 6 अपॉन रूट 3 ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा 6 रूट 3 अपॉन 3, 3 से 6 गया ये बचा 2, तो आंसर आ जाएगा 2 रूट 3 मीटर्स। तो हमारी ई एफ, ये जो ई एफ है वो आ गई लंबाई इसकी 2 रूट 3 मीटर्स ठीक है। अब इसको जो है नोट कर लीजिए। तो देखो आगे इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे, एलिवेशन बन रहा है ठीक है, यानी कि ये रहा टावर, इससे एलिवेशन बन रहा है 30 मीटर अवे का, यानी कि ये जो लंबाई होगी वो होगी 30 मीटर, और बन रहा है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि ये वाला। इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, भाई फिर से सिंपल ही क्वेश्चन, एच निकालना है इसका, नाम दे दिया ए बी सी ठीक है। अब देखो एंगल बी दिया हुआ है 30 डिग्री, निकालनी है हमको एच, और बेस दिया हुआ है, तो कोई ऐसा एंगल कोई ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखो जिसमें हमारा एक तो बेस आ रहा हो और परपेंडिकुलर आ रहा हो, कौन सा रेशियो कुछ समझ में आया, ये होगा हमारा टेन ठीक है।
tan b एंगल यानी कि b इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि h अपॉन बेस, बेस कितना है 30 मीटर, tan b 30 डिग्री, tan b यानी कि 30 डिग्री बराबर h अपॉन 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये होती है 1 अपॉन रूट 3, तो ये हो जाएगा h अपॉन 30, ये हो जाएगा रूट 3 एच बराबर 30, इसको इस तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा h बराबर 30 बटे रूट 3, इसको थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन वो h इज इक्वल टू रूट 30 अपॉन रूट 3 ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 30 रूट 3 अपॉन ये हो जाएगा 3, फिर इससे ये कट जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 10 रूट 3 मीटर्स, यानी कि जो टावर की हमारी हाइट आई वो आई h बराबर 10 रूट 3 मीटर्स। ठीक है, अब इसको नोट करो। देखो अब इसमें जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है वो मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में करवा दिया था इसकी, तो हम इसमें जो है नेक्स्ट जो इसका सिक्स्थ क्वेश्चन है वो करेंगे, और जिस जिसने इंट्रोडक्टरी वीडियो नहीं देखा है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो उसका लिंक दे दूंगा, जाके देख लेना। तो ये सिक्स्थ क्वेश्चन है वो देखिए, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो देखो सबसे पहले तो एक बिल्डिंग बनाई जो है 30 मीटर बिल्डिंग है। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है, कोई डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल जो बॉय है खड़ा है 1.5 मीटर टॉल कोई बॉय खड़ा है, ये इसकी जो इतनी ये यहाँ पे कोई टॉल बॉय खड़ा है 1.5 मीटर यहाँ से इतना। अब आगे क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। जब वो लड़का यहाँ पर था तब उसकी बिल्डिंग से जो एंगल बन रहा था वो था 30 डिग्री, उसके बाद जब उसने आगे चलना शुरू किया बिल्डिंग की तरफ तो जो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन था वो घट के 60 डिग्री हो गया, ये हो गया 60 डिग्री। फिर उसने पूछा क्या है आगे, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, यानी कि हमको ये वाली जो डिस्टेंस है ये यहाँ से यहाँ तक की ये निकालनी है। ठीक है, तो इसको पहले जो है लेबल कर देते हैं, ये हो जाएगा ए बी सी डी ई और इसको दे दिया नाम एफ। ठीक है, तो देखो इसमें जो हमारा बी सी होगा, जो बी सी बराबर होगा ए डी के, ए डी और यहाँ से जो इसकी लंबाई है पूरी यहाँ से यहाँ तक उस लड़के की लंबाई को मिला के जो है 30 मीटर है, तो हमारा जो एफ डी होगा एफ और डी ये वाले जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो होगी वो होगी 30 माइनस 1.5 मीटर, तो ये कितनी आ जाएगी 28.5 मीटर। ये जो लंबाई आई यहाँ से ये वाली जो ये यहाँ से
यहाँ तक की है जो आ गई हमारे पास 28.5 मीटर। ठीक है, अब हम चलो पहले लेके चलते हैं ये वाला ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, इन ट्रायंगल डी ई एफ एंगल हमारा 60 डिग्री है। निकालना क्या है हमको, बेस, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल लग जाएगा यहाँ पे हमारा 10। तो देखो ये हो जाएगा 10 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ये साइड एफ और डी, एफ डी कितनी है 28.5। निकालना क्या है ई डी, ई डी। ठीक, तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है रूट थ्री, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन ई डी, इसकी कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा रूट थ्री ई डी इज इक्वल टू 28.5। इसको इस तरह भेज देंगे तो ये हो जाएगा ई डी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन रूट थ्री। तो रूट थ्री अपॉन में जो रखते नहीं है तो ऊपर नीचे रूट थ्री से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 28.5 रूट थ्री अपॉन थ्री। ये जो ईडी हमारी आ गई वो आ गई 28.5 रूट थ्री अपॉन थ्री, ये 28.5 रूट थ्री अपॉन में थ्री। अब हमें कौन क्या निकालना है, अब निकालनी पड़ेगी सी डी। जब सी डी हमको पता चल जाएगी फिर उसमें से ई डी माइनस करके हमको सी ई पता चल जाएगा जो हमको फाइंड करना है। इस ऊपर लिख लो टू फाइंड क्या करना है सी ई, सी ई। ठीक है, अब इसको जो है यहाँ पे नोट करो फिर मैं आगे इसको करता हूँ। अब देखो हम लेके चलेंगे ट्रायंगल डी सी और ये एफ, इन ट्रायंगल डी सी एफ। ठीक है, इसमें लग जाएगा हमारा फिर से 10, ये हो जाएगा 10 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि एफ डी अपॉन बेस यानी कि सी डी। ठीक, अब 10 30 कितना होता है, ये 1 अपॉन रूट थ्री, ये हो जाएगा एफ डी, एफ डी कितना है 28.5 मीटर अपॉन सी डी जो हमको निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू 28.5 इंटू रूट थ्री। अब हमको क्या करना है, इस सी डी में से ये आ गई हमको मीटर में, इस सी डी की लंबाई आ गई, अब इस सी डी की लंबाई में से इस ई डी को माइनस कर देंगे तो हमको सी ई मिल जाएगा जो हमको निकालना है। ठीक है, तो हम लिख देंगे सी ई, यही तो निकालना है सी ई, सी ई इज इक्वल टू सी डी, सी डी ये पूरा माइनस ई डी, ई डी सी डी कितना है 28.5 रूट थ्री माइनस 28.5 रूट थ्री अपॉन थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं तो इसके अपॉन में कुछ नहीं तो बन, देखो अब इसको जो है यहाँ करते हैं तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी, इसकी 3 से मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारा 5 3 15 के 5 हासिल लगा एक,
और 8 3 24 और 1 25 के 5 हासिल लगे 2 3 2 6 और 2 8 85.5 रूट 3 माइनस 28.5 रूट 3 और इसके अपॉन में कितना है 3, इस होल के अपॉन में 3। अब तो 85.5 में से 28.5 माइनस कर देंगे तो हमारे लिए जो मिलेगा मिलेगा 0.15 में से 8 गया बचा 7 और या 7 में से 2 गया बचे 5, 57.0 रूट 3 अपॉन 3 यानी कि हो गया 57 रूट 3 अपॉन 3 और 3 से इसे काट देंगे 3 एकम 3 और 3 नीम 27 यानी कि ये हो जाएगा 19 रूट 3। 19 रूट 3 क्या आया CE, थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, ये CE इज इक्वल टू 19 रूट 3 मीटर। ये जो हमें फाइंड करना था ये हमारा आ गया 19 रूट 3 जो हमको निकालना था, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए।